हम सारे साथी, हम सारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हमारे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, वैमनस्य नहीं है, क्योंकि ये गुंडे नहीं है, ये शराफत की मिसाल है। गुंडों को जीत नहीं मिला करती, इस शहर ने साबित करके दिखा दिया। जो कहा करते थे ना वो हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे, मैंने उन्हें कहा था प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है सबको छोड़ती है। आखिर में कैथल में शराफत जीती, कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता, कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता। कपिस्थल की तपोभूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं, कैथल की तपोभूमि के अंदर जात पात के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं। ये सच है, ये सच है। बीजेपी ने बार 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 और अब भी इस चुनाव में भी जात पात फैलाई और भाईचारा तोड़ने की कोशिश की। पर मैं उन सारे साथियों को कहता हूं जिनका मन हम नहीं जीत पाए, हम फिर से गुलदस्ता बनाएंगे और आपको अपनी छाती से लगाकर साथ लेकर जाएंगे। मेरे साथियों, कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई और मुझे आज बुलाया। मैं आदित्य भाई, आदित्य को तो ये कहूंगा, आदित्य और सुदीप भाई तो यहीं रहेंगे और वो कल सुबह आएंगे और मैं आपसे आज अनुमति लूंगा, क्योंकि कुछ चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने और सारी सीनियर लीडरशिप ने आज बुलाया। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रेम और आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से आपने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताया, जिस प्रकार से कठिन जहां कहते थे कि कांग्रेस जीत नहीं सकती या कांग्रेस कमजोर है, उन गांव के अंदर भी कांग्रेस ने पिछली बार से 600, 700, 800, 200, 400 वोट की बढ़त पाई। मैं देख रहा था पिछली बार का रिजल्ट निकालकर, हर राउंड जब आता था पिछली बार से दुगनी वोट आने लग रही थी लगभग कांग्रेस पार्टी की। और इसीलिए आपकी 90,000 कितनी वोट आई है आपकी, या 85,000-86,000, 84,000 या 85,000 वोट, 84,600 या 85,000 वोट आई, वो ये इस बात का सबूत है कि आपका प्यार, आपका धड़ा, आपका विश्वास और बढ़ा है। और आदित्य के कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि उन सारे साथियों के विश्वास को, उनके प्रेम को आगे लेकर जाना है और पूरे जिले में भी सेवा करनी है, पूरे प्रांत में भी सेवा करनी है। मुझे ये विश्वास है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, अगर उससे कहीं कोई भूल हो जाए, तो आप अपना बेटा और भाई मानकर उसका हाथ पकड़कर उसे दुरुस्त कर दें, क्योंकि आपको यह अधिकार है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.